बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग, एंड हमने किया था टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग, राइट। यस बात सर। करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल में कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग हुई थी, ठीक है। एंड ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि अलोंग द एक्सिस आते हैं, तो दो ऊपर जाते हैं और तीन नीचे आते हैं, राइट। अभी क्या होगा, बीच में बेरी सेंटर था, मैंने आपसे कल भी कहा था दिस इज बेरी सेंटर, एवरेज एनर्जी होती है बीच में, हमें एवरेज एनर्जी को मेंटेन करना होता है। तो कितना ऊपर गया बेटा ये, इसको काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे याद रखना जैसे दो बॉक्स ऊपर गए हैं, बस याद रखने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। दो बॉक्स ऊपर गए हैं तो माइनस सॉरी +3/5, प्लस इसलिए क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हुई है, राइट। नीचे की तरफ डाउनवर्ड एनर्जी कम हुई है, तो ये होगा -3 है, तो बेटा होगा 2/5। बोलो बात समझ में आई, +3 यस बाय सर। हाँ क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है, +3/5 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6 dQ, राइट। अगर मैं इसको करने जाऊं तो -0.4 डेल्टा ओ, इसको अगर आप 2/5 को सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.4 डेल्टा ओ, राइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4 dQ। क्लियर, यहां तक समझ में आया। ये है ऑक्टाहेड्रल के केस में, किस केस में बेटा ये, तो ऑक्टाहेड्रल अब आ जाओ टेट्राहेड्रल के केस, टेट्राहेड्रल के केस में एनर्जी इंक्रीज हुई तो कुछ इस तरह से हुई। अभी क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी तो बेटा ऊपर कितने जाएंगे, टेट्राहेड्रल में कितने ऊपर जाते हैं, तीन, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस तीन। होता है टेट्राहेड्रल, होता है ना, लाइगेंड यस अप्रोच सर। करता है बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस तीन होते हैं, DXY, DYZ एंड DXZ, क्लियर। नीचे कितने आएंगे, दो, DZ² एंड DX²²। ऊपर बेटा ऊपर वाले कहेंगे EG और नीचे वाले को T2G, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, एंड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल इट इज T2G ऊपर और EG नीचे। हालांकि टेट्राहेड्रल में G नहीं लिखते हैं, बट कुछ बुक्स में दिया होता है, क्यों नहीं लिखते बेटा G, देखो मैं बताता हूँ, G का मतलब क्या होता है बेटा, जेराड, ठीक है। जेराड क्या होता है, इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, तो ऑक्टाहेड्रल में तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, सेंटर पे पॉइंट्स मीट करते हैं जब हम लाइगेंड को आपस में क्रॉस करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में तो पॉसिबल है, लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा, सॉरी मैंने ये इधर से लगा दिया, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल में होता है जेराड, सेंटर ऑफ इन्वर्जन किसमें होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन को किससे शो करते हैं हम, जेराड से, इसीलिए जी लिखा जाता है ऑक्टा। टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता तो इसमें जी भी नहीं आना चाहिए, बट कुछ में लिखा होता है तो हम लिखते हुए चलेंगे अभी, ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। तो अब आ जाओ यहाँ पे, एवरेज एनर्जी हमें यहाँ पे बना के रखनी है। अब बच्चे एवरेज एनर्जी अगर हमें यहाँ पे बना के रखनी है तो ऊपर कितना इंक्रीज हुआ वो लिखेंगे, तीन गए तो मैंने क्या कहा था, प्लस, ऊपर तो है तो प्लस आएगा, नीचे है तो माइनस आएगा, ऊपर तीन है तो आएगा 2/5, अगर नीचे दो है तो आएगा 3/5, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2/5 को, तो बेटा ये आ जाएगा +0.4 डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल है ना, विच इज इक्वल टू 4 dQ, और नीचे आ जाएगा -0.6 डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू 6 dQ। बोलो बात समझ में आई, ठीक यस सर। है बेटा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और वो सॉल्व कैसे करने हैं वो देखेंगे जरा, ठीक है। देखो आगे चलूं, लिख लिया तुम लोगों ने ये, बोलो बोलो, शाबाश, यस सर। ठीक है, आगे चलूं ना फिर मैं, चलो आ जाओ। कौन है शरारती तत्व, छोटा भाई है, यस यस सर। सर, छोटे ही होते हैं शायद, ठीक है।
अब बात करेंगे बेटा सीएफएसई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब हुआ इसका? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आई? होती क्या है ये, देखना जरा बेटा। अगर इफ डी वन है, क्या है? डी वन है, मान लो डी वन मतलब जैसे कॉन्फ़िगरेशन 3D1 है। क्या है? 3D1। तो इसको कैसे भरेंगे देखना। T2G में भरेंगे हम लोग और EG में भरेंगे। तो एक आएगा तो एक यहां पे भर देंगे। भर दिया ना। और दो ऊपर जाते हैं, दो ऊपर किस यस केस में सर, जाते हैं? ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं ना। इसको हम लिखेंगे यस सर, T2G1 EG0। क्या लिखेंगे इसको हम? T2G1 EG0। आई बात समझ? अच्छा, इफ डी इज इक्वल टू टू, मान लो 3D2 है, तो कैसे लिखोगे? उसमें भी ऐसे दो ऊपर जाएंगे और तीन नीचे। ठीक है, दो है तो दो ऐसे भर दोगे। ये आ गया ईजी, ये आ गया बेटा T2G। तो इसको कैसे लिखोगे? T2G2 EG0। बोलो, बात समझ में आई? यस अगर सर, इफ डी इज इक्वल टू थ्री तो कैसे लिखोगे बेटा? टू ऊपर जाएगा और थ्री नीचे आ जाएगा। तो ये कैसे भरेंगे हम लोग? एक दो तीन भर दिए। ये आ गया ईजी, ये आ गया बेटा T2G। तो इसको लिखेंगे अपन T2G3 EG0। बोलो, बात समझ में आई? ठीक यस सर, है बेटा। अगर हम लिखते हैं, ठीक है, हुआ पीछे वाले में लिख दिया मैंने। चलो कोई ना, पीछे चलते हैं। इफ डी इज इक्वल टू, अब आगे कितना कहता है? थ्री। इफ टी इज इक्वल टू फोर, मान लो 3D4 है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको कैसे भरेंगे? दो ऊपर है, तीन नीचे है। ये ईजी आ गया बेटा, ये आ गया T2G। आया तो फोर है तो कैसे भरेंगे? एक दो तीन, चौथा कहाँ जाएगा? ऊपर ये आ जाएगा। इसको लिखेंगे यस T2G3 और ईजी लिखेंगे बेटा 1। बोलो, बात समझ में आई? सर, यस सर, ठीक है जी। इसी को ही, डी फोर को ही हम और कैसे लिख सकते हैं? दो ऊपर तीन नीचे, एक दो तीन, चौथा ऊपर ना जाकर यहीं पे पेयर अप कर लिया। क्या कर लिया? पेयर अप, पेयर अप। पेयर अप कर दिया। पेयर अप क्यों किया? अगर लाइगेंड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। कैसा होगा अगर लाइगेंड? तो पेयर अप कर देगा ना, स्ट्रॉन्ग, पीछे पेयर कर देगा। हाँ, ये आ गया ईजी, ये आ गया T2G। तो अब क्या लिखेंगे? T2G4 EG0। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो जरा। अब जो ये डेल्टा ओ है, ये कैसे निकालना है देखना जरा ध्यान से। डेल्टा ओ कैसे निकालेंगे? फर्स्ट के लिए आ जाओ, D1 के लिए। तो इसके लिए अब मैं करूंगा व्हाइट मार्कर यूज। तो हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्यों? ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं अभी। तो देखो, दो ऊपर भेजे हैं ना, तो ऑक्टाहेड्रल ही है सारे, राइट? अच्छा यस जी, सर, अब जरा ध्यान से देखना। तो T2G कितना है बेटा? 1 है ना। तो T2G1, और मुझे मालूम है दो वाला जो ऊपर है ये कितना आता है? 0.6। और ये नीचे वाला ये आता है -0.4। आता है कि नहीं आता है? यस सर, हमने अभी पढ़ा ना, यहाँ पे देखो, आगे आगे यहाँ पे। तो देखो, ऑक्टाहेड्रल में इधर देखो, ऊपर आता है 0.6 और नीचे आता है -0.4। क्लियर? अब होगा क्या? तो नीचे है बेटा T2G। सबसे पहले T2G से चलो, कितना है? 1। तो 1 मल्टीप्लाइड विद -0.4 कर दिया। बाकी ऊपर तो कुछ भी नहीं है, यस तो ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इट इज इक्वल टू
-0.4 डेल्टा ओ। तो पहले में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आई? -0.4 माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ, क्योंकि 1 ही था ना T2G के पास, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर? तो ये तो आ यस सर गया। यस सर दूसरा आ जाओ, इसका डेल्टा ओ फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा? देखो T2G के पास कितने हैं? 2। तो 2 मल्टीप्लाइड विद -0.4 विच इज इक्वल टू -0.8 डेल्टा ओ। बोलो बात समझ में आई? थर्ड यस सर में आओ, तो थर्ड में 3 है, तो 3 इंटू -0.4 विच इज इक्वल टू 1. -1.2 डेल्टा ओ। बोलो बात समझ में आई? यस यस सर सर। ठीक है जी, ये आ गया D3 में, राइट। अब आते हैं बेटा D4 में। यहाँ पे D4 में जब आएंगे तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा ओ। तो डेल्टा ओ के लिए सबसे पहले T2G में कितने हैं? 3 मल्टीप्लाइड विद 0 सॉरी मल्टीप्लाइड विद -0. नीचे कितना होता है? 0.4 4। अच्छा इतना कर लिया। अब आएगा प्लस, ईजी में 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाइड विद 0.6। ये कितना आएगा? तो यह आ जाएगा 1.2 माइनस का प्लस 1 इंटू 0.6, दैट विल बी इक्वल टू 0.6। तो विच इज इक्वल टू 1.2 से 0.6 घटा देंगे, क्योंकि माइनस का है 1.2, इट विल बी -0.6 डेल्टा ओ। बोलो बात समझ में आई? यस यस सर। सर अब आ जाओ नीचे वाले में, इधर कैसे करेंगे? तो इधर करेंगे T2G में 4 है, 4 मल्टीप्लाइड विद -0.4। आगे ऊपर तो कुछ नहीं है, विच इज इक्वल टू -1.6 डेल्टा ओ। बोलो बात समझ में आई? यस सर कोई दिक्कत? नो नो सर। सर ठीक, तो ये है भाई साहब हमारा डेल्टा ओ फाइंड आउट करने का तरीका। समझ में आई मेरी बात? यस ठीक यस है, सर ठीक है। बस फिर हो गया, चैप्टर इतना ही है। आइसोमेरिज्म एक बार पढ़ लेना, नहीं तो मैं करवा ही दूंगा, या कर ओके लोगे? ओके है, सर कर लेंगे सर क्योंकि आइसोमेरिज्म बहुत इजी है बेटा मेरे ख्याल से, है ना? यस सर यस सर। बहुत ही आसान सी आइसोमेरिज्म है, उसमें क्या ही टफ है। और बहुत बड़ी इजी तो आइसोमेरिज्म आती है इसमें। ऑप्टिकल भी बड़ी सिंपल सी है। हम क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? वी आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि हम जब शीशे में देखते हैं तो हम रोटेट होते हैं ना, मतलब राइट का लेफ्ट को आता है, लेफ्ट का राइट को आता यस है सर ना? है हाँ, तो फिर चलो पढ़ लेना, नहीं तो मैं एक बार करवा ही दूंगा इसको, फिर कभी ना कभी बैठ के, है ना? यस सर अब जरा एक क्वेश्चन करवा लेता हूं मैं आप लोगों को, फिर हम इसको चलते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है भाई साहब, देखना। मुझे इसमें बताओ जरा, K4Fe CN6, इसमें बताओ T2G और EG क्या होगा? पहली बात तो तुमको क्या देखना है, ये ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं है? यस सर है ना? यस सर तो इसमें स्प्लिटिंग जो होगी वो ऊपर 2 जाएंगे और नीचे 3 जाएंगे। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर अब दूसरी बात क्या देखनी है, कि कितने डी ऑर्बिटल में कितने डाल रहे हैं ये, ठीक है? इनर ऑर्बिटल है या आउटर है? एक सेकंड रुकना यार।
तो बच्चे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जल्दी से। के पे कितना चार्ज होता है? +1 मल्टीप्लाइड विद 4 प्लस आयरन को एक्स मान लेंगे, प्लस सीएन पे -1 होता है मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। 4 आ जाएगा इधर, प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 6 -4, टू एक्स इज इक्वल टू +2। होगा कि नहीं होगा? अभी क्या करना है बेटा, यस सर। आयरन टू पॉजिटिव, आयरन टू पॉजिटिव की ऑक्सीड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6 कितनी होगी? 86 हाँ, भरो इस 3d6 को यहां पर। और सीएन कैसा होता है, वीक फील्ड लाइगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड? स्ट्रॉन्ग। हाँ, इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो ये बैक पेयरिंग करवाएगा, करवाएगा तो क्या होगा बेटा, एक यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा आ गए। करवाएगा ना बैक यस सर। पेयरिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो T2G क्या क्या आ जाएगा, T2G 6 और EG आ जाएगा 0। बोलो बात समझ में आई? यस टफ सर। था ये? नो नो सर। सर, ये क्वेश्चन था नीट 2019 का। कब का क्वेश्चन था ये? नीट 2019। हाँ चलो, एक जेई का क्वेश्चन देता हूं जरा तुम्हें, इजी है वो भी, बहुत ही आसान होगा देखो। अगले इस पे हो। अच्छा, अब क्वेश्चन कहाँ है, ऐसा एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। देखो, NiCl4 टू नेगेटिव, बेटा इसका बोहर मैग्नेटॉन बताओ जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी, शाबाश। बता सकते हो? यस सर। यस सर। बताओ फिर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि एक्स प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू +2। निकल टू पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन वो क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8। 3d8। शाबाश, तो 3d8 भरोगे तो क्या आएगा, सर बोहर मैग्नेटोन ऐसे 2 पॉइंट समथिंग। 2 point something। 1 2 3 4 5 वीक है ना वो Cl4, तो वीक में 6 7 8, तो वीक में आगे जाएगा, पीछे तो आएगा नहीं Cl4 में, तो ये आगे जाएगा। sp3 क्या आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी, और 2 है तो क्या आएगा, 2 point something। बोलो बात समझ में आई, यही होगा? बोलो बोलो, शाबाश, यही होगा ना। यस सर। sp3, मैं रुको आंसर देख लेता हूँ। 18, ठीक है, यही आंसर है। देखो, ये कब का क्वेश्चन है, AI EEE 2011 का, ठीक है, इजी आता है बेटा। एक और क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है जो हम करेंगे अभी, तो देखा था यार। हाँ, इस कॉम्प्लेक्स का बताओ जरा मुझे, T2G और EG निकाल के, दैट इज Fe(H2O)6Cl2। जल्दी से, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल है तो स्प्लिटिंग मालूम है, ऊपर 2 जाएंगे और नीचे 3, यही होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 आ जाएगा, 6 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +2। सर Fe2 पॉजिटिव कितना होगा बेटा, 3d6। अब 6 भरो, लेकिन H2O कैसा है,
वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक। वीक। हाँ तो एक इधर आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, क्या आएगा? T2, G4 और EG आ जाएगा 2। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। हाँ यही आंसर है। और ये कब का क्वेश्चन है रुको, ये भी बता ही देता हूँ तुम्हें यार, तो तुम्हें लगेगा। September 2020 जेई का, जेई मेंस का सितंबर में हुआ हुआ। तो टफ आते हैं, मुश्किल मुश्किल आते हैं, आसान आते हैं क्वेश्चन? कैसे आते हैं? आसान आते हैं। आसान है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम कल से अगला चैप्टर शुरू करेंगे। मेरे को मैसेज कर देना अगला चैप्टर कौन सा करना है, ठीक है? आज ही कर देना पर, ठीक बच्चे? ठीक यस सर, है बेटा, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, ओके सर। ओके।